आप सबको पता है कि कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी वीडियोस को ना रैंक करने में हेल्प करते हैं। तो एक चीज़ और भी इसके साथ मैं बता दूं कि इस तरह के जो टूल्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ छोटे यूट्यूबर्स को ही मतलब ज़रूरत होते हैं, लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो ये टूल इस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। वो क्यों नहीं यूज़ करते? एक तो उनके पास अगर लाखों फॉलोअर्स हैं पड़े, तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो पे एट ए टाइम मतलब हज़ारों व्यू आ रहे होते हैं, और उसकी वजह से कुछ लाइक्स होते आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वीडियो होती है वो जो गूगल का और यूट्यूब का जो सर्च इंजन होता है, ठीक है, गूगल का होता है सर्च इंजन जिसको गूगल पांडा कहते हैं, और यूट्यूब का जो सर्च इंजन होते हैं, इन हज़ारों व्यू एट टाइम आने की वजह से उनकी वीडियो उसी टाइम एंगेज होके रैंक पे आ जाती है। और इसी वजह से जो यूट्यूबर्स होते हैं जो बड़े बड़े, वो मतलब इस तरह का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। और इस तरह की जो यूट्यूब चीज़ें होती हैं मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ छोटे यूट्यूबर्स ही इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों का जो ख्याल होता है वो छोटे यूट्यूबर्स को ही रखना पड़ता है। तो इसलिए आपको भी ये रखना पड़ेगा, अगर आपका चैनल्स मतलब 30,000 40,000 से नीचे नीचे है तो आपको ये सारा कुछ मैनेज करके रखना पड़ता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी वीडियो को मतलब हल कर सकते हैं, जो जो उसकी एंगेजमेंट, उसकी रैंकिंग, उसकी व्यूज़ को जो मसला होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि इस तरह के जितने भी मेथड हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मतलब हेल्प करते हैं, परमानेंट सोल्यूशन कोई भी नहीं देता। इसलिए आप लोगों ने जो इंसार होता अपना करना है, मेन इंसार जो आपने अपना करना है वो करना है अपने कंटेंट पे, क्योंकि कंटेंट इज़ ए किंग। तो आप लोगों ने ये चीज़ अपने जहन में बिठानी है कि इस तरह कोई भी टूल के यूज़ करेंगे तो आप मतलब 2-4 दिन, हफ्ते, महीने में आप निकल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रॉपर मेहनत करें और कंटेंट पे अपना फोकस करें, और इन टूल्स को सिर्फ हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारा सबसे पहला जो टूल है हमारा वो है सुपर टूल, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, इसकी मतलब वेबसाइट पे चले जाते हैं जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें बताऊंगा कैसे आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स मतलब अपने टाइटल वगैरह सारा कुछ इसमें वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो यूट्यूब का ये जो सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, इसमें से आपने जाना है यूट्यूब कीवर्ड टूल पे, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका कीवर्ड होता है, जो आपका जो एक कीवर्ड होता है, मैं आप लोगों को यहाँ से एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से कोई भी मैं मतलब वीडियो ओपन कर लेता हूँ, इसी में से ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ, अपनी ही वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो जो मेन कीवर्ड है, मैं ना इसको कंप्लीट, इसको ना इसका ना वो जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके यहाँ से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से उसकी डिफ़िकल्टी सर्च वॉल्यूम बताएगा, कितने लोग परमानेंट इसको सर्च करते हैं, और इसको रैंक करना मुश्किल है या नहीं मुश्किल। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना वो जो इसका मतलब मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, इसका जो डिफ़िकल्टी है मीडियम है, और इस कीवर्ड को 3,000 लोग पर मंथ में सर्च करते हैं। जो अब मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो बता रहा है रैंकिंग डिफ़िकल्टी मतलब कंपटीशन आपका जो है, लेट्स से कि अगर आपके पास ये देखिए इसमें हार्ड कंपटीशन, अगर आपका जो चैनल मतलब बड़ा जो चैनल है तो आप ये हार्ड वाले टॉपिक पे भी मतलब रैंक कर सके, क्योंकि आपके पास ट्रैफिक इतनी है, आप कंपटीशन कर जाते हैं। जिन भाइयों के पास जिनके छोटे चैनल होते हैं वो सबसे पहले तो कोशिश करें कि ईजी, और उसके बाद मीडियम, कोशिश करें कि ईजी यूज़ करें सबसे पहले। अगर नहीं कर पा रहे तो आपने क्या करना है, यहाँ से फिर मीडियम को सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से ना डिफरेंट कीवर्ड आपको देता है, जो आपको मतलब जिससे आप अपना टाइटल मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने मतलब इस पर यूज़ किया हुआ है, और इसको 2,664 बंदे पर मंथ सर्च करते हैं इस कीवर्ड को यूट्यूब पे, ठीक है। और यहाँ से ये देखें, और इसका जो रैंकिंग डिफ़िकल्टी है वो मीडियम है। तो देखें, अब इसके साथ एक और कीवर्ड है, ये देखिए, ये है 2,664 बंदे इसको सर्च करते हैं, और यहाँ से 16,647 बंदे सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, और इसका कंपटीशन देखें बिल्कुल ईजी है, और यही हमारी गलती है, ठीक है। तो इसकी मदद से अगर हम 2,000 बंदों वाला सिलेक्ट करें या 16,000 बंदों वाला, जिसका कंपटीशन भी मीडियम है, जिसका इसका कंपटीशन भी ईजी है, तो ये चीज़ आपने यहाँ से मतलब यहाँ से अपने चेक करनी है। और इसको डाउनलोड करने के अलावा यहाँ से कॉपी भी कर सकती हैं CS फाइल में, यहाँ से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से वो सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
एक तो टूल जी है जिसकी मदद से आप सारा कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और टूल है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके अलावा एक और टूल, इस टूल का नाम है विड आई क्यू, ठीक है। ये सबसे बेस्ट जो टूल है, अगर आप छोटे चैनल हैं या बड़े चैनल हैं सभी इसको यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करना भी चाहिए जिस तरह का ये टूल है। आपने क्या करना है, इसकी ना विड आई क्यू की इसको सर्च करेंगे, विड आई क्यू क्रोम एक्सटेंशन, तो इसको अपने क्रोम ब्राउज़र में या किसी अपने ब्राउज़र में इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसकी साइट पे जाएंगे ऐसे लिख के, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि डाउनलोड, अगर ऑलरेडी डाउनलोड होगा तो रिमूव आएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, तो इसलिए ये बता रहा है कि मतलब रिमूव करें, अगर ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे बताएगा एडिड टू क्रोम, और ये डाउनलोड होने लग जाएगा। इसका क्या फ़ायदा है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना जो चैनल ओपन कर लेता हूँ, बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करेंगे और इसका फ़ायदा क्या होता है। इस तरह के दो टूल्स होते हैं, एक होता है ट्यूबबडी, एक होता है विड आई क्यू। ट्यूबबडी और विड आई क्यू में से अगर कुछ सेलेक्ट करना पड़े तो विड आई क्यू ही करेंगे। ट्यूबबडी मतलब कुछ फेक रिजल्ट दिखाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसके अपनी इस वीडियो को ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद इसको एडिट कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको कुछ टैग्स सेलेक्ट किए, मतलब इसको टैग्स कैसे करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा इसके अबाउट। तो यहाँ से जैसे नीचे टैग्स में जाएंगे तो ये कुछ रिजल्ट शो करेगा हमें। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाता है। तो ये देखें, अब इस ये बता रहा है कि विड आई क्यू बता रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि इस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च करेगा, ये आप फर्स्ट नंबर पर रैंक करेंगे। इसको कोई सर्च करेगा तो इस पर फर्स्ट नंबर पर रैंक आप कर रहे हैं। अगर इसको कोई सर्च करेगा, इस पर भी सर्च नंबर फर्स्ट नंबर पर रैंक करें, तो ये जो रैंकिंग की होता है वो सारा कुछ बताता है। अगर आप इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे जो इसका आइकन बना हुआ है, तो ये उसका सर्च रिजल्ट बताएगा और इसका कॉम्पिटिशन भी आपको ये बता रहा है, ठीक है। इसके साथ देखें, इस ये लो कॉम्पिटिशन, अगर आपने कोई कीवर्ड ऐड करना है यहाँ से, तो इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे कीवर्ड इसलिए ब्लू है यहाँ पे कि मैंने इनको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए ये ब्लू टिक का निशान है। अगर यहाँ से कोई आपने ऐड करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये देखें, ये कंपटीशन का मतलब इसका बिल्कुल लो है, और इसको 14,000 बंदे मतलब सर्च करते हैं इस कीवर्ड को, तो कितना मतलब अच्छा रिजल्ट ये यहाँ से आपको बता रहा है। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ये मज़ीद कीवर्ड बताएगा। अगर आपने कोई कीवर्ड ऐड करना है तो ऐसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका कीवर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका मतलब रिजल्ट चेक किया, ठीक है, ये लो पे है, ये भी लो पे है। तो यहाँ से फिर आप कोई जितने चाहें वो मतलब ऐड कर सकते हैं, और इनका रैंकिंग भी मतलब चेक कर सकते हैं इसके ज़रिए। और इसके साथ यहाँ पे ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, इस पे ये एसईओ स्कोर बताता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है इस वीडियो की 50 में से 50 है, और हाई वॉल्यूम रैंकिंग टैग्स इसमें 5 हैं। ये इस तरह के जो टैग्स होते हैं ना, ये बता रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 टैग्स, मतलब जो रैंक करें ये हाई वॉल्यूम टैग्स हैं। तो ये यहाँ ये ऐसे हाई वॉल्यूम टैग इस तरह नहीं मिलते, तो इसलिए आपको काफ़ी इस पर सर्च करना पड़ता है, ठीक है। और इसके ये रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं, और इसने इसको 100 में से 94 नंबर दिए हुए, 94.9 मतलब 100 में से 95 नंबर इसने दिए हुए हैं इसकी एसईओ के लिहाज से। और इसी वजह से ये भी इस वीडियो पर मतलब व्यू भी आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसको दिखा देता हूँ, इसका व्यू वाला सेक्शन कहाँ पर है, यहाँ से मैं वीडियो को बैक कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको चलें सेव कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक टैग मैंने और ऐड कर दिया है। इसको जैसे मतलब बैक करता हूँ मैं, इस पे व्यू भी इसका दिखा देता हूँ यहाँ से। और इसके साथ इस टूल के ज़रिए ना आप चेक कर सकते हैं कि ये बताता है कि पर हावर कितने व्यू आ रहे हैं इस पे, और इसका रैंकिंग टैग क्या है, ये सारी डिटेल जो होता है, इसकी डिफ़िकल्टी क्या है, वो यहाँ पे आपको शो करता है। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो भी आपको आज की इसी वीडियो में बताता हूँ, तो थोड़ा सा ये लोड हो जाए ताकि इसमें जो डिटेल है ये आपको बता दे। अच्छा, ये देखिए वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में ये चेकलिस्ट है ना, इसमें ये बताता है कि आपने ये चीज़ ऐड की है, ये चीज़ ऐड नहीं की, इन चीज़ों को ऐड करें। यहाँ से आप इन चीज़ों को भी अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से देखें वो रैंकिंग टैग ऐड हो रहे हैं। अगर आप किसी की वीडियो में जाते हैं, देखें एक इस तरह की वीडियो है ना, अगर आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड कोई और वीडियो कहीं पर पड़ी हुई है, आप उसके टैग्स कॉपी करना चाहते हैं, डायरेक्ट उसकी वीडियो ओपन करेंगे, यहाँ से डाउनलोड CSV एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपके पास ये सारे टैग डाउनलोड होंगे और अपनी वीडियो में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें एवरेज डेली व्यूज़, तकरीबन वो कह रहा है कि इस पे एक दिन में तकरीबन 1,176 व्यू आ रहे हैं एवरेज डेली व्यूज़ पे इस वीडियो पे। और ये सब्सक्राइबर बता रहा है, और ये कंट्री वगैरह रीजन बता रहा है, और ये उसकी मतलब उसका ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये देखें इसका एचएस स्कोर ये यहाँ पर भी बता रहा है। इसके अलावा ये देखें व्यू,
जो व्यू पर हावर की जो एवरेज है ये बता रहा है, ठीक है, ये है कि मतलब 7.4 ये एवरेज उसकी बता रहा है। यहाँ से ये इसके व्यूज़ जो इस वीडियो पे आए हुए हैं 35,100 तकरीबन व्यूज़ इस पे आए हुए हैं, ये देखें 35,000 हैं यहाँ पे, ये बता रहा है 35,001 मतलब, ठीक है, इतनी व्यूज़ वीडियो इस वीडियो पे आए हुए हैं और मज़ीद इस पे आ रहे हैं। और इसके एवरेज व्यूज़ पर हावर की जो एवरेज है कि तो वो ये आ रही है, और एक दिन में इस पर कितनी व्यू आ रही है वो भी इसने बता दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद एक और टूल है, इस टूल को और पिछले वाले टूल को यूज़ करके आप अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह बना के, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थंबनेल, तो थंबनेल आपने अच्छा कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो ये चैनल है मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले मेरे चैनल पर मतलब अभी देखें ये 9 दिन में 521 पहले वाले जितनी भी वीडियोस पड़े उस पर बिल्कुल भी मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, क्योंकि थंबनेल ना होने की वजह, अभी मेरे थंबनेल अच्छे होने की वजह से जो व्यूज़ है कि मतलब अच्छे आ रहे हैं। वो क्यों, जब आपका थंबनेल अच्छा होता है तो क्लिक रेट होता है ना, व्यू क्लिक रेट वो आपका इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक करती, एंगेज्ड होती है। तो ये भी एक एक मेथड है जिसकी मदद से आपकी वीडियो रैंक करती है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अच्छे थंबनेल के लिए बिल्कुल फ्री टूल है और तीनों चीज़ें ये फ्री हैं, इनके पेड चीज मतलब इनके वर्जन है, लेकिन आप लोग उनको यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने canva.com, तो इसके अलावा एक और भी मतलब वेबसाइट है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आप लोग अपनी मर्ज़ी का मन चाह जो थंबनेल होता है वो यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मतलब YouTube के थंबनेल के लिए यहाँ से सर्च करना है, यहाँ से ये देखें इसने सारे जो ये यहाँ पे इसने जो बने बनाए ग्राफिक आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। आपने सिर्फ जस्ट क्या करना है, कोई भी ग्राफिक आपको पसंद आ जाता है तो आपने सिर्फ उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये दूसरे मतलब दूसरी स्क्रीन इसके साथ ओपन हो जाएगी। तो फिर इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ रिमूव कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, सारा कुछ इसको कर सकते हैं। और इसकी मदद से जो आपका जो मतलब अच्छा अगर थंबनेल अच्छा होगा जो क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़ेगा। आपने अक्सर वीडियो के मतलब जब आप यूट्यूब स्टूडियो में मतलब वीडियो को ओपन किया होता है नीचे क्लिक थ्रू रेट बता रहा होता है, वो जब ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो चीज़ आप वहाँ पे देखा करें, ठीक है। इसकी मदद से फिर आप जो भी चाहें यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से मतलब लिख लें, कोई चीज़ डिलीट करनी है डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ ऐड करनी है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है मेरे ख्याल से भी काम कर रही है, कहीं मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, अगर ये काम करिए तो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ, pickmaker.com। हाँ मतलब ठीक है, ये अभी वेबसाइट काम नहीं, पिछले दिनों ना ये वेबसाइट मतलब ये लिंक काम करना मतलब छोड़ गया था, तो अभी ये काम करिए। ये भी कैनवा की तरह है और उसमें मतलब कुछ डिज़ाइन वहाँ से अगर कोई पसंद नहीं आ जाता आप अलग भी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो आप इस वेबसाइट पर आके डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं और एक अच्छा थंबनेल बना के अपना क्लिक थ्रू रेट और अपने वीडियो को एंगेज्ड कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों को यूज़ करना लाजमी है। तो अगर यहाँ पे कोई मसला पेश आ रहा है या इस तरह का कोई और टूल आपको चाहिए जो मतलब डिफरेंट टूल्स में पहले मैंने यूज़ किए हुए हैं SEO के लिए, तो अगर किसी को वो चाहिए तो वो फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, तो मैं उसका ना लिंक वगैरह उसको कमेंट में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।